बहू, तुम्हारे पिताश्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा। क्या बोल रही है? सत्य कह रहे हैं। इस घटना ने हमें बता दिया है कि तुम लोग किस परिवार से हैं। इसलिए अब तुम्हारे बारे में जो भी निर्णय लेना होगा, रावबा जब लौट कर आएगा वो खुद ही लेगा। बहू, अब तुम्हारे और रावबा के संबंध को कोई नहीं बचा सकता। अवश्य कोई चिंता का विषय। कृपया निसंकोच बताएं। हमने हमारा संपूर्ण जीवन षड्यंत्र के बीच किया, इसलिए अनिष्ट की आशंका हमें भयभीत नहीं करती। नहीं महाराज, यह अनिष्ट झांसी का भविष्य प्रभावित कर सकता है। शनि का प्रकोप आप और महारानी के मध्य अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और आपकी कुंडली में राहु की महादशा के कारण राजा और प्रजा के बीच भारी विद्रोह की स्थिति निर्मित होगी। इसमें महारानी के अनिष्ट की भी आशंका है। रघुनाथ जी महाराज, किले तक संदेश पहुंचाओ कि महारानी की सुरक्षा व्यवस्था दुगनी की जाए, विशेष तौर से उनका कक्ष। जो आ गया महाराज। महाराज, महारानी के कुंडली में सप्तम भाव के अंदर मंगल की स्थिति ये दर्शा रही है आपके प्रति अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति से खोया हुआ धन प्राप्त होगा। क्षमा कीजिए महाराज, हमारे और महारानी के अलगाव से बचने का कोई उपाय? शक्तिमान के सामने हर जीव नतमस्तक है। मैं आपका मतलब भी नहीं समझा। ऐसी आप कहना क्या चाहते हैं? तात्या, हम कहना नहीं चाहते, दिखाना चाहते। ये तो हमारी महारानी जी की कुंडली है। जी, इसी कुंडली को विलक्षण विलक्षण कहकर आपने रावबा को विवश कर दिया था मणिकर्णिका से विवाह करने के लिए। इस कुंडली को संसार के किसी भी ज्योतिषाचार को दिखाइए,
अभी भी यही कहेंगे। क्षमा कीजिएगा आशीष, हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आपको इस कुंडली में ऐसी क्या चीज दिख गई जो आप शंकित हो रही हैं? हम नहीं, कुंडली की स्वामिनी शंका उत्पन्न कर रही है। तात्या, यदि कुंडली इतनी विलक्षण है तो चरित्र भी तो विलक्षण होना चाहिए। अवश्य आयुष्री, अवश्य। मैंने केवल कुंडली ही नहीं देखी बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र ऐसे ऐसे विलक्षण दृश्य देखे जिन्हें आप देख ले तो इस विषय पर गदगद भाव से चर्चा करें। हमें विलक्षण नहीं, अशिष्ट, असभ्य और स्वार्थी दिखाई दे। तात्या, ऐसे गुण तो साधारण स्त्री को लांछित कर देते हैं, और ये तो झांसी की महारानी है। क्षमा कीजिएगा, हमारी महारानी जी ऐसे परिवार से आई हैं जिनके विद्वत्ता की चर्चा काशी से लेकर भटू तक होती है, और मोरोपन जी के सम्मान को। क्यों नहीं तात्या, ऐसे विद्वान और प्रकांड पंडित की चर्चा अब तो झांसी में भी शुरू हो गई है। आपने नहीं सुना? आप जरा दुर्गाबाई बाड़ा जाकर देखिए तो सही, वहाँ की प्रजा तुम्हें बता देगी कि कितने विद्वान और चरित्रवान हैं आपके मोरोपंत जी। असम, असम। आयुषी जी, अवश्य ही आपको किसी ने भ्रमित किया है। मोरोपंत जी के चरित्र पर उंगली उठाना तो आयुषी जी, स्वयं महाराज ने मोरोपंत जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर दरबार में उन्हें मंत्री पद देने की बात कही। नहीं कर सकते, हम अभी जाएंगे। आखिर चिन्ना के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसका नाम हमारे बाबा के साथ? नहीं, नहीं, इस बात की सच्चाई हम मालूम करके रहेंगे अभी। महारानी साहब, महारानी साहब, यदि आपने यहाँ से कहीं जाने की चेष्टा की श्याम सबको दंडित कर देंगे, और महाराज को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बताएं। बताने दो सुंदर, तुम चिंता मत करो, सत्य हमारे साथ है। महाराज हमारे पति हैं, वो बहुत ही न्यायप्रिय हैं, हमें पूरा विश्वास है वो सच्चाई का साथ देंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। वो अवश्य हमारा विश्वास करेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे अपने बाबा के मान सम्मान को बचाने और सच्चाई सामने लाने के लिए करेंगे। आप जैसा कहें महारानी, परंतु कुछ नहीं होगा सुंदर, चलो हमारे साथ। महारानी, सुंदर, ये हमारा आदेश है। चलिए महारानी से, अब कुछ भी हो, परंतु कैसे? किसी ने आपको देख लिया तो? उस सर्वशक्तिमान के सामने हर जीव नतमस्तक है, हम आपको आशीर्वाद स्वरूप ये भेंट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है ये अभिमंत्रित सिंधु आपके और महारानी के बीच अटूट संबंध बनाने में सहायक होगा। यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। आयुश्री, आयुश्री, हमें पूरा विश्वास है हमारी महारानी के कुंडली के साथ अवश्य कोई छेड़छाड़ हुई है। क्या कह रही हो तुम? कुंडली के साथ छेड़छाड़? तात्या जैसे पंडित इस बात को भांप लेते हैं। आयुश्री, आप कुछ भी कहिए, पर कोई ना कोई रहस्य अवश्य है। आयुषी, आप स्वयं सोचिए, क्या आपने कभी भी किसी दुल्हन को गठबंधन के समय कार्ड जोर से बांध दीजिए
ऐसा कहते हुए सुना। पंडित जी, कांच जरा कस कर पाते। आयश्री, कोई भी काट इतनी मजबूती से नहीं बांधी जाती कि उसे खोला ना जाए। आयश्री, कई खेल धन के बल पर भी खेले जाते हैं। अवश्य मोरपन जी ने तात्या जी की झोली स्वर्ण मुद्राओं से भर दी होगी और फिर कुंडली के ग्रहों की स्थिति को बदलने में कितना समय लगता है ऐश्री। और इस बात को तो सभी जानते हैं, मणिकर्णिका स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है। उस पर अंकुश लगाना इतना आसान नहीं जितना आप समझते हैं ऐश्री। चुप रहो जानकी, अब तुम यशोधरा को शिक्षा दोगी, हमें सिखाओगी सब कुछ। इस महल में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हमारी दृष्टि से छुपा नहीं। और हाँ, जब भी हमसे बात करो सावधानी से किया करो। हम तो बस आप ही के हित की बात। हमारे हित की मत सोचो, अपने हित की सोचो, जो अब तक करती आई। आपने हमारे प्रति एक धारणा बना रखी है, हम उसे नहीं बदल सकते। आज्ञा दीजिए। आपको क्या लगता है, जानकी बाई तात्या जी के बारे में सही कह रही थी? मैत्री, तात्या जैसे पंडित से ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती। जी ऐश्री, महल में कई लोगों से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई की कुंडली अत्यंत विलक्षण है। संबंध कुंडली की वजह से हुआ हो या राजनीतिक व्यवस्था की वजह से, हमारे और हमारे रावबा के बीच जो संबंध है उसके बीच कोई भी दरार नहीं डाल सकता, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। परंतु आयश्री, ऐसे कैसे हो सकता है, महारानी साहिबा तो यही रहती है। अवश्य रहती है, अवश्य रहती है, परंतु उसकी अलहड़ता हमारे लिए समस्या बनती जा रही है। अब जब रावबा लौट कर आएगा तभी यह निर्णय लिया जाएगा कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जब तक झांसी को उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं हो जाती, तब तक उसे अपने मायके में ही रहना होगा। नहीं चल सकती क्या? क्षमा कर दीजिएगा। रुक जाओ। इसने घूंघट की ओढ़ रखा है। नहीं नहीं जी जी, वो Thank you.
जी इधर आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। बोलो। आज गंगाधर राव मठ से प्रस्थान कर चुके हैं और महल की तरफ कभी भी आ सकते हैं। लौट कर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपने कक्ष में ही रहो। तुम्हारे पिता श्री और चिमनाबाई को संदिग्ध अवस्था में हमने अपनी आंखों से देखा। अरे अपनी आंखों से देखा है तुझे बाबा। नहीं, वो मैं महारानी साहब के आदेश अनुसार उनके पिताजी के लिए भोजन लेकर देती बाबा। तू रात में गई थी, पूरी रात। नहीं बाबा, आपकी कसम बाबा, हमें हमारी आई की कसम बाबा, हमने सिर्फ एक लड्डू खाया था। विश्वास कर भी लू तो दुनिया ने मान किस किस को सफाई देता। फिर आज तेरे कारण महल गया था, परंतु अब हरे दरबार में महाराज और महारानी से अपने परिवार के प्रतिष्ठा के प्रति न्याय मांगूंगा जो उन्हें देना पड़ेगा। भोजन क्यों भेज दिया तूने? क्या तू नहीं जानता कि कोई भी पिता अपनी पुत्री के घर का भोजन नहीं लेता? तेरा दोष तो नहीं है इसमें, क्या करें? नियति हमसे कुछ खेल खेल रही है, कुछ अच्छा करती है हो जाता। लेकिन मामा बताइए तो क्या हुआ? क्या बताऊं? तुमने ये भोजन भेजा, एक लड्डू खाया, उसके बाद कुछ याद नहीं। मठ से वापस आ गए, महल पहुंचते ही होंगे। जाओ जाओ बेटे, फिर कहीं कुछ पनिश ना हो जाए। Oh,
किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा।